पटना के सुपर हीरो का सुपर पावर जानते हो? वो बिना उड़े बच्चों को उनके सितारों में लिखे हुए सपनों से मिलाती हैं। उनमें से एक बच्ची मैं थी। हर बार बर्तन धोने पर सोचती, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? फिर सोचती, एक 6 साल की गरीब बच्ची के जिंदगी के बारे में कौन परवाह करेगा? पर अंधेरे में मशाल लेकर आई मेरी सुपर हीरो इंदु मैम। उन्होंने मेरे परिवार को मनाया मुझे स्कूल भेजने के लिए, और सिर्फ मुझे ही नहीं, बस्ती के हर घर में जाके सबको मनाती हैं वो। उन्होंने एक ऐसा स्कूल सिस्टम बनाया जहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके जो कमाई होती है और जो अमीर घरों के बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा फीस देते थे। उन सब पैसों को वो इकट्ठा करके गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने में लगाती हैं, ताकि सबको बेहतरीन शिक्षा मिले। इंदु मैम जानती थी औरतों को शिक्षित करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ इप्सा समाज सेंटर की स्थापना की, जहां उन्होंने नर्सरी टीचर बनने का कोर्स शुरू किया। अब यहां कंप्यूटर के कोर्स भी दिए जाते हैं, और तो और उन्होंने यहां रोजगार की भी व्यवस्था शुरू की है। यहां पर सिलाई, पॉटरी, ड्राइंग, हैंडबैग बनाने के स्किल से महिलाओं को खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं। एक बार मैंने मैम से पूछा, मैम आप इतना सब कुछ क्यों करती हैं? तब उन्होंने बताया, उनके दादू उनके पापा से पूछते हैं, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शादी तो करनी है। उस जमाने से ही ऐसी सोच है। पर उनके पापा समझाते, जैसे पेड़ को मजबूत बनाने के लिए सूरज की शक्ति चाहिए, वैसे ही समाज को मजबूत बनाने के लिए नारी की शक्ति चाहिए। यही सोच को आगे बढ़ाने के लिए इंदु मैम पढ़ाती हैं। पर उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद दूसरों को पढ़ाने की इतनी ख्वाहिश थी कि वो सीधा पहुंच गई एक स्कूल। वहां सब हंस पड़े, ऐसे कैसे पढ़ाएगी? ये एक चुनौती थी, लोगों की सोच बदलना। वो हार मान सकती थी, लेकिन नहीं मानी। जहां अपॉर्चुनिटी मिली वहां पढ़ाया, सीखने के तरीके बदले और थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपना खुद का स्कूल खोला। उसी स्कूल में मैं भी पढ़ी हूँ। लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, इसका जवाब हर लड़की के अंदर है जो इंदु मैम के स्कूल से पढ़ी और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली, और वो आज समाज को आगे ले जा रही है। एम्पावरमेंट, ये है मेरी सुपर हीरो इंदु मैम का सुपर पावर। सच कहती है वो, एजुकेशन आपको सब दिलाएगा। हर चीज जो नामुमकिन लगती है वो आसान बनाएगा। मुझे ही देख लो, सालों तक जिसने एक अक्षर नहीं पढ़ा आज MNC में काम करती है। इसलिए वो सिर्फ मेरी सुपर हीरो नहीं, मेरी तरह और 5,000 लोगों की सुपर हीरो है।